मेरे को। देखो ऐसा है कि हम लोग को मालूम पड़ा है अधिकारी के थ्रू कि आमदार असलम शेख ने उसकी तकरार की थी, उसके बारे में बताया था कि ये सारा शेड खुलना चाहिए। तो वैसे देखने जाओ तो ग्राउंड में तो कोई बहुत अच्छा ही काम हो रहा था वहाँ पे, कोई बुरा काम तो नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे पहले जो वो बुरा काम होता था वहाँ पे लोग नशा करते थे बैठ के और अय्याशी करते थे, पता नहीं कैसी कैसी बातें, वहाँ पे कोई घूमने भी फिरने भी खेलने भी कूदने भी नहीं जाता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का जब अपना मंगेश चौधरी जो है वार्ड नंबर 48 के अध्यक्ष उन लोगों ने और बाकी सब हम लोग ने मिल के उस ग्राउंड को साफ किया मेहनत की लोगों के लिए, और उसके बाद में देखने जावे तो अभी वहाँ पे बैठ के हम उस ग्राउंड की देख रेख कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे खेल रहे कूद रहे, काफ़ी अच्छी समस्या वहाँ पे लोगों की सॉल्व हुई है। इस सॉल्व को उनको देखा नहीं जा रहा है और उन्होंने नहीं देखते हुए उन्होंने उसकी तकरार की अधिकारी के पास, तो इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। उनका जो लेबल है वो लेबल के हिसाब से उनको अगर सबसे पहला ध्यान देना चाहिए तो ट्रैफिक के लिए तो होर्डिंग बैनर लगा रहे थे यहाँ पे, अभी वो तो होर्डिंग बैनर लगा रहे थे। तो अभी परसों के दिन मलाड़ में मालोनी के अंदर एक औरत की रिक्शा में ही डिलीवरी हो गई परसों के दिन, तो उसका क्या, अभी वो बच्चे का क्या करेंगे? वो बच्चा जो रिक्शा में रास्ते में डिलीवरी हो गया है उसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है पहले वो हॉस्पिटल बनाने की फिक्र करो आप। ग्राउंड में किसने होर्डिंग लगाया, किसने बैनर लगाया, एक आमदार होते हुए इस तरीके की हरकत अच्छी नहीं लगती है। तो मेरा ये बोलना है कि आप आमदार है, यहाँ के एमएलए है हमारे एरिया के, तो आपको ये छोटी मोटी हरकत नहीं करनी चाहिए। आपको करना चाहिए कि हमारे को हॉस्पिटल यहाँ पे जो अभी बंद है उसको बना के दो, यहाँ की जो समस्या है उसको हल करके दो, और क्या बोलूँ।